प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी का जो आज का एपिसोड था यार मतलब क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए मजा ही आ गया और पूरा का पूरा एपिसोड हमें प्रतीक्षा की साइड का ही दिखाया गया कि क्यों क्यों की और क्या क्या कहते हैं काव्या साइड रवि के घर क्या हुआ इन सब से रिलेटेड कोई ज्यादा खास चीज नहीं देखने को मिली लेकिन जो भी चीजें आज प्रतीक्षा के घर की साइड भी देखने को मिली वो मतलब अनएक्सपेक्टेड हो रही है बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो रही है क्योंकि

ये बंदा रियल नहीं है ये बंदा गड़बड़े पंडित नहीं है अब ये बात उसने अपने चाचो को सॉरी अपने हस्बैंड को बताई यानी कि प्रतीक्षा के चाचों को बात बताई अब प्रतीक्षा के चाचो को बात बताने का विश्वास नहीं करते अब वो बुलाते किंजल और पारुल को पूछे कि तुम्हारा क्या ये हमेशा रवि रवि चलता था कौन है ये रवि तो फिर वो बोलती है रवि जब बोलते तो रवि बहुत तेज हो जाती है आवाज तो उस बात को सुनकर ना फिर से एकदम से रवि जो होता है वो डर जाता है कि शायद इनको शक हो चुका है और जैसे ही किंजोर पार्ल का ध्यान हटता है वैसे ही वो बंदा वहां से गायब हो जाता है अब उसको वहां से गायब होकर होता हुआ देखकर वो दोनों भी वहां से भागते हैं उसको पकड़ने के लिए भाई रवि कौन वो कहा है पंडित कौन ये पता मुझे पता करना है वो भाग लेते हैं अगले ही पल हमें ये देखने को मिलता है कि वो बंदा मतलब नकली पंडित जी यानी कि रवि प्रतीक्षा से जाके टकरा जाते हैं उनकी दाढ़ी गिर जाती है अब यहाँ पे क्या प्रतीक्षा का जो फोन है वो गिर के खुल जाता है वो, वो क्या कहते हैं फोन को दोबारा बंद करके तो सही कर लेती है जोड़ देती है इतनी देर में वो क्या करता है रवि दाढ़ी अपनी ढूंढने के लिए दाढ़ी लगी नहीं होती उसके चेहरे पर तो वो वहां से गायब हो जाता है डायरेक्टली बच्चों वहां से अब फिर हमें ये देखने को मिलता है कि रवि गया है उस पंडित जी के पास जिसको वो बांधा हुआ है उसने क्योंकि हमें फिर यहाँ पे दिखाया गया कि भाई जब जिस पंडित जी से उसने बात की थी वो पंडित लेकर तो आ गया अंदर लेकिन उसको पता था कि रवि झूठ बोल रहा है रवि की कहानी सच्ची नहीं है तो यहाँ पर रवि ने उसको एक सीधे से बोला कि भाई देखो सॉरी पंडित जी ने बोला कि भाई बताओ क्या काम है क्या तुम यहाँ पे क्यों आए हो तो सीधे से रवि ने ये बोला कि मैं यहाँ पे उनकी शादी रुकवाने आया आऊँ तो फिर इस बात को सुनकर पंडित बोलते ठीक है मैं अभी ये बात सबको बता देता हूँ अब ऐसी बात हो रही तो प्र... क्या किया रवि ने उठा के उसको बंद कर दिया और बंद करके मुंह पे बांध दिया और हाथ पैर बांध के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया अब भाई जब वो आया तो बोला कि मैं मेरी हेल्प करो ठीक है मैं तुम्हें मतलब चिल्लाओगे नहीं कुछ बोलोगे नहीं ठीक है तो बोला ठीक है ठीक है नहीं बोलूंगा और जैसे ही खोला वो चिल्लाता बचाओ बचाओ अब फिर रवि पका रहता बोलता तो पंडित जी से झुकी शांत हो जाइए बात सुनिए मेरी पूरी क्या मैं आपको पूरी बात मैं बताता हूं मैं ठीक है और फिर अभी पूरी पूरी बात बताता है कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात थी ऐसी ऐसी थी वो उसने मेरी ऐसी ऐसी जो है क्या कहते हैं मेरी जो फ्य से थी उससे शादी होने वाली थी मेरा प्यार था मेरी छोट मतलब बचपन की दोस्त थी उससे क्या हुआ उससे मतलब उसको उसने मार दिया और अब मेरी उससे शादी हो पर ना कुछ हो पा रहा है अब इसके बाद क्या है इसके बाद हमें ये चीज देखने को मिलती है कि पंडित जी को अपनी मतलब हेल्प करवाने के लिए वो बनाने की कोशिश कर रहा होता तभी बोलता है कि कितने लोग हैं एक लाख फिर दो लाख दो लाख जैसे बोला वो पंडित बोला कि दो लाख रुपए तो मैं पूरे साल भर और उसमें भी नहीं कमा पाता दस शादी करवा कर बोला ठीक है मैं दो लाख है मैं दो लाख में करने के लिए इस बात के लिए तैयार हूँ ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है दो लाख की बात होती है तभी हमें ये देखने को मिलता है सडनली कि भैया बाहर क्या है जो प्रतिष्ठा के चाचा चाची हैं वो आगे बाहर लेकिन रूम में आने से पहले क्या होता है रूम में आने से पहले ये हमें देखने को मिलता है कि प्रतीक्षा से रूम क्या कहते हैं उसके चाचा चाची मिल चुके हैं और वो पूछते हैं कि यहाँ पे वो एक पंडित था बड़ी सफेद डाड़ी वाला कहाँ है वो कौन है वो मुझे रवि लग रहा है ये है वो है वो सब बातें वो कर रहे होते हैं ठीक है प्रतीक्षा से तो प्रतीक्षा बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसे लगा कि वो रवि है ठीक है और फिर वो बोलते हैं कि कहाँ गया वो बता बता कहाँ पर है वो तो वो बताते उस साइड गया उस साइड से चले जाते हैं उनके चाचा चाची लेकिन जाने से पहले बोलते हैं कि देख प्रतीक्षा अपने आप को ना मतलब संभाल के करो तो कमरे में चली जा और जब चली जा जब तक किंजल और पारुल नहीं आते तब तक तू गेट मत खोलियो ठीक है और फिर यहाँ से कदम तो एक देखने को मिलता है कि रवि के रवि को एक गेट के पीछे पर्दे के पीछे छुपा के रख दिया जाता है और जब उसके चाचा चाची आते हैं तो वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि भाई किस तरीके से मतलब वो पकड़ लेते हैं कि भाई पंडित जी बताओ वो कहाँ है कहाँ है वो ठीक है नहीं पहले तो ना वो उसी को पकड़ते हैं तो असली है। है, दाढ़ी वाला और वो पंडित यहाँ पे सफेद दाढ़ी वाला पंडित वो तो इस पर्दे के पीछे छुपा है अब रवि से उसके कि दो लाख में क्या कहते हैं कि बात पूरी ठीक हो जाएगी ठीक है तुम तो मुझे बचा लोगे ठीक है सिंपल सी बात है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर सिंपल चीज ये देखने को मिली कि भाई वो बता तो देता है और रवि घबरा भी देता है कि अब मेरा पूरा प्लान खराब लेकिन जैसे ही वो उस पंडित जी को देखते हैं मतलब नकली पंडित जी को रवि वाले पंडित को तो वो क्या होता है वहां पे मैं ये देखने को मिलता है कि वो उससे क्वेश्चंस पुट अप कर रहे होते हैं कि भाई देखो क्या है क्या नहीं क्या है कैसा है सिर्फ क्वेश्चन अप कर रहे होते तो, तो यहाँ पे जो तो नॉर्मल पंडित होता है वो ये बोलता है कि देखो ये मेरा साथी है ठीक है और मैं रात में मुझे काम करना था इसलिए मैं थोड़ी सी मतलब झपकी ले रहा था मैं सो रहा था ठीक है ताकि ऐसा हो जाए कि मैं थोड़ा सा मतलब ठीक रहा मेरी ये हेल्प कर दे बस ये बात थी और कोई बात नहीं थी सिंपल सी बात और यही मेरे साथी से ऐसा कुछ भी नहीं तो बोलते अगर साथी तो पीए क्या कहते हैं कमरे के पीछे छुप के क्या कर रहा था क्या मतलब था कमरे के पीछे छुप कर है ना तो यहाँ पर फिर भाई ये समझ में आता है कि वो पंडित जो है वो पंडित ये वो बोलता है कि देखो ये क्या है इनको ना एक मतलब एज हो चुकी इनकी खाते तो सब कुछ है लेकिन इनका क्या है इनका वो जो है वो टिक नहीं पाता मतलब इन्होंने डायपर यूज करते हैं उसके लिए तो इसलिए वो वहाँ पे डायपर चेंज करने गए थे सिंपल सी बात ये बात थी और यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर वो इस बात पर आ गए क्योंकि भाई पंडित जी की एज भी बहुत ज्यादा लगी सफेद दाढ़ी है और चल भी ऐसे झुक झुक के रहे थे तो भाई उनको भी हो गया था कि हाँ भाई चलो ये लोग ऐसे ये शायद ये पंडित जी सही बोल रहे हैं ठीक है तो चलो अच्छी बात है ठीक है ओके अब इसके बाद भाई हमें ये देखने को मिला कि भाई उसके घर वाले जो प्रतीक्षा के हैं चाचा चाची वो मान गए कि चलो ये बात ठीक है और पंडित जी ने उसको बचा भी लिया पंडित जी के दो लाख रुपए भी बन गए सब कुछ अच्छा खासा होगा सब कुछ बढ़िया था याद है तो कहानी ठीक थी अब इसके बाद जो प्रोमो देखने को मिला उस प्रोमो में भाई कहानी तो ये? मैंने बहुत पहली बता दी थी मैंने अपने एक रिव्यू में एक, एक एपिसोड में कि भाई रवि जो है वो प्रतीक्षा से शादी शादी करेगा जब वो उसकी शादी हो रही होगी सिंपल सी बात क्लियर सी बात है वो हम सबको पता था तो यही भाई होगा कि वो शादी करेगा प्रतीक्षा में हमें दिखाया गया है वहीं दूसरी तरफ रवि की बात है तो रवि की शादी में भी एक पंगा होते होते बच गया कि उनकी वेडिंग में कोई गेस्ट आए हुए थे तो वहां पर क्या उनको रविश के साथ फोटो लेनी थी मतलब तो नकली रवि के साथ तो वो क्या करते हैं वहां पर फोटो लेने के लिए कहते हैं तो यहाँ पे आदि की मम्मी जो होती है वो बोलती है कि रवि सरा उठाओ सरा उठाओ सरा उठाओ वो उठाता नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है वो बड़ी मुश्किल से बचते हैं और वो वहां पर बस किसने किसी न किसी तरीके से बचकर निकल जाते हैं और कुछ नहीं बस ये चीज होती है और कुछ खास नहीं होता यहाँ पे आज के एपिसोड में जो मेन था जो भी मतलब मेन चीज थी वो सारी प्रतीक्षा के घर में ही हुई प्रतीक्षा के साइड से ही हुई एंड सीरियसली अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब रवि प्रतीक्षा से शादी करता है कि नहीं और कैसे करता है और कैसे नहीं करता ये चीज ना मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई बाकी आप हमें कमेंट करके ये बताए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आने वाले एपिसोड में जो ट्विस्ट आने वाला है कि रवि प्रतीक्षा से शादी करेगा इस ट्विस्ट पर आपका क्या कहना है क्या इस ट्विस्ट को कुछ ज्यादा जल्दी ले आएगा या फिर ट्विस्ट में जो मसाला होना चाहिए जो स्पाइसीनेस होनी चाहिए जो क्रिस्पीनेस होनी चाहिए वो है ही नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके से धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लैक एंड को दबाना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि अगर ब्लैक एंड दबाना भूले तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे